नमस्कार दोस्तों, अगर मुझे आई फ्लू, पिंक आई या कंजंक्टिवाइटिस है तो क्या मैं अपना कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकता हूँ? आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा इसी बारे में आपसे बात करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसको बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पिंक आई, ये एक ऐसा टर्म है जिसमें कि हमारी आंखें लाल या हल्की गुलाबी सी हो जाती हैं। अब पिंक आई के बहुत सारे कारण होते हैं। ये कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है। अब कंजंक्टिवाइटिस या जो आंख का एक इन्फेक्शन होता है वो किसी वायरस की वजह से हो सकता है, किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, या फिर कई बार आपने देखा होगा कि जब आप बहुत देर तक धूल में रहते हैं या धूप में रहते हैं, या अगर आप कोई ऐसा साबुन, क्रीम, शैम्पू इस्तेमाल कर लेते हैं जो आपकी आंखों को सूट नहीं करता। कई लोग बोलते हैं कि नहाने के बाद हमारी आंखें लाल हो जाती हैं और उसमें खुजली होती है, तो वो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होती है। तो कंजंक्टिवाइटिस बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, वायरस की वजह से हो सकती है और एलर्जी की वजह से हो सकती है। तो ये सारे जो है ये मुख्य कारण है कंजंक्टिवाइटिस के या पिंक आई के। अब अगर आपको पिंक आई हुई है तो ऐसे केस में प्लीज अपना कॉन्टेक्ट लेंस बिल्कुल भी ना पहने। अब आप उससे पूछेंगे कि अगर हम ऐसे केस में अपना कॉन्टेक्ट लेंस पहन लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, अगर आप ऐसे केस में अपने कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं पिंक आई या कंजंक्टिवाइटिस के केस में, तो बहुत ज्यादा संभावना इस बात की बढ़ जाती है कि आपकी पुतली पर घाव हो जाए, आपकी पुतली पर अल्सर हो जाए, जिसे हम लोग कॉर्नियल अल्सर या केराटाइटिस बोलते हैं। और ये अल्सर इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि ये पुतली पर हमेशा के लिए सफेदी छोड़ सकता है, आपकी पुतली को गला सकता है और आपकी आंख के अंदर पस तक बन सकता है। इसीलिए जब भी आपको अपनी आंख में पिंक आई या कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू लगे तो तुरंत सबसे पहले अपने कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल करना बंद कर दें और उसकी जगह जो भी आपका चश्मा है आप उसको इस्तेमाल करिए। अब बात बारी आती है कि मैं कितने समय के बाद मैं अपना कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करना शुरू कर सकता हूँ। देखिए, जब भी आपका ये जो कंजंक्टिवाइटिस है ये पूरी तरीके से ठीक हो जाए तो एक बार जरूर अपने आई डॉक्टर को दिखाइए। अपने आई डॉक्टर से पूछिए कि क्या मेरा जो सारे लक्षण हैं या जो सारा इन्फेक्शन है वो खत्म हो चुका है। जब आपका डॉक्टर आपको सहमति दे तभी आप अपने कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करना दोबारा शुरू करिए। और सबसे ज्यादा बेहतर तो ये रहेगा कि आप एक नया पेयर ऑफ कॉन्टेक्ट लेंस के साथ में शुरुआत करिए। जो पुराना कॉन्टेक्ट लेंस आप पहन रहे थे, जिसको पहनने के बाद में आपको कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू हुआ था, उसको फेंक दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि उस कॉन्टेक्ट लेंस में कंजंक्टिवाइटिस करने वाला जीवाणु हो या बैक्टीरिया हो या वायरस हो, जो अगर आप दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर से आपकी पुतली पर इन्फेक्शन, आपकी कंजंक्टिवाइटिस को वो दोबारा ला सकता है। इसलिए पुराना कॉन्टैक्ट लेंस फेंक दीजिए और नए कॉन्टैक्ट लेंस के साथ में शुरुआत करिए। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आँख की बीमारी के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।